मैं डॉक्टर के कौशिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन तथा पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का निदेशक हूँ। मैंने सन 1994 में BHU से सर्जरी डिपार्टमेंट में MBBS और MS करने के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। पूर्वांचल में हमारा ध्येय था कि धीरे धीरे चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाए, तो हमने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अभी हॉस्पिटल भी आरम्भ कर लिया था। और उसी दौरान मैंने ये महसूस किया कि एक छत के नीचे सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है, इसलिए इसका विस्तारीकरण बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मैंने विगत 28 वर्षों में इस चिकित्सा सेवा को अपने वाराणसी और पॉपुलर हॉस्पिटल में कंपटीशन के दौर से गुजरते हुए अच्छा करने की कोशिश किया, और आज हम ब्रांचेज ऑफ हॉस्पिटल को लेकर के वाराणसी में एस्टेब्लिश हैं, और साथ ही साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर चिकित्सा सेवाओं का इतना ज़्यादा उत्थान हो जिसको पूर्वांचल की जनता, और जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में निकटवर्ती करीब 4-5 प्रदेश हैं जिसके मरीज भी आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, नेपाल और मध्य प्रदेश, इसके भी मरीज आते हैं। तो इन मरीजों को ये विश्वास बढ़े या सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा यहाँ मिले, इसका हमने पूरा कोशिश किया है। और इसीलिए मैंने हर विभाग में एक नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है, चाहे वो कार्डियोलॉजी है जिसमें कैथ लैब मशीन के साथ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, चाहे वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है जिसमें एंडोस्कोपिक मेथड से एडवांस एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं स्पाइन की, और चाहे वो किडनी का विभाग हो जिसमें CRRT मशीन जो कि आर्ट ऑफ स्टेट मशीन होती है, किसी भी प्रकार के बहुत क्रिटिकली अगर किडनी का पेशेंट है तो उसका उस मशीन के द्वारा हेल्प करके हम लोग डायलिसिस करके उसकी जान बचा सकते हैं, जिसके लिए पहले बाहर जाना पड़ता था मल्टी ऑर्गन फेल्योर के केसेस में। उसी प्रकार आप अन्य विभागों की बात करें, चाहे जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स और मेडिसिन, इन विभागों में भी बहुत हमने टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन किया है। हम अपने विभाग की बात करते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी में जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, और चाहे वो लेजर सर्जरी है जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जैसे पाइल्स फिस्टुला और पाइलोनेडियल साइनस वगैरह हम लोग इलाज करते हैं, उसी प्रकार जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी आप देखेंगे हमने पूरी टीम बनाई है, और उस टीम के द्वारा सभी प्रकार के एडवांस ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है जिसमें रेगुलर CME और वर्कशॉप भी हम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूर्वांचल की जनता पूरी तरह से स्वस्थ रहे, और उसके लिए बराबर हमने अपने ओपीडी में 2 बजे के आसपास एक हमेशा संगोष्ठी करता हूँ, और मरीजों को लाइफस्टाइल के बारे में हमेशा ट्रेन करता हूँ, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, या कार्डियक और बीमारियाँ हों, किडनी की बीमारियाँ हों, या अन्य इस तरह का जो भी रोग है, जब मरीज आते हैं तो उनकी क्वेरी रहती है कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि खान पान, नियमित व्यायाम, समय से सोना, समय से जगना, अल्कोहल और सिगरेट का स्मोकिंग नहीं करना, फैट खाने की क्वालिटी में ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेवन ये बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आप बीमार पड़ने की संभावनाएं कम पड़ जाती हैं। तो मिला जुला करके अगर आप वाकई अवेयर हैं तो अपने स्वास्थ्य धन को जरूर से आप मेंटेन करिए, और इसके लिए मैं एक फार्मूला लगाया हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि सुबह का 1 घंटे का टाइम 20 मिनट रिग्रेस एक्सरसाइज, 20 मिनट अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन के लिए, जो काम के लिए जो काम आपको दिन भर करना है उसको लिखना, अगले 20 मिनट में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई करना, ये 3 चीजें अगर नियमित करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा अपने आप को उपयोगी बनाते हैं, परिवार और समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। तो सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग निरोग रहें, इसकी मैं कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर AK कौशिक, सेक्रेटरी, मैं जनरल सर्जिकल सोसाइटी का भी सेक्रेटरी हूँ, इस पर मैं लेक्चर जब भी डिलीवर करता हूँ तो मैं इन बातों का उसमें समागम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।